वेलकम लर्नर्स, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम रिसर्च। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 वेज शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप रिसर्च से अर्निंग कर सकते हैं चीज़ी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऑनलाइन रिसर्च सर्विसेज किस तरह दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने थीसिस किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने अपना डिफेंस दिया हुआ है थीसिस का, अगर आपने खुद अपनी थीसिस की रिपोर्ट लिखी हुई है, ठीक है, रिसर्च की रिपोर्ट लिखी हुई है या पेपर की लिखी हुई है आपने, तो तब आप इन 10 वेज से मनी अर्न कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, टीचिंग। यस, टीचिंग। आप रिसर्च टीच करके भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें, काफ़ी स्टूडेंट्स को रिसर्च नहीं आती, इवन दो होते हैं डिग्री में BRM, ARM और क्वांटिटेटिव टूल जो रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिसर्च नहीं आती। सो आप उनको रिसर्च ऐसे स्टूडेंट्स को रिसर्च टीच करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं रिसर्च से। इसके अलावा आप रिसर्च पेपर राइटिंग की टीचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रपोजल राइटिंग किस तरह करते हैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और थीसिस राइटिंग के बारे में भी आप पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ रिसर्च पेपर पब्लिशिंग के बारे में भी उनको बता सकते हैं कि किस तरह पब्लिश करेंगे पेपर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर पब्लिश करने नहीं आता। आई रिपीट, काफ़ी स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर पब्लिश करने नहीं आता। सो आप इस पर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर टू है बस फ्रीलांसिंग। आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड फ्रीलांसिंग सर्विस दे सकते हैं। नंबर वन, अपवर्क वेबसाइट में, इसके अलावा फाइवर वेबसाइट है, फिर इसके अलावा अमेजन कैंडिडेट है, इसमें भी आप जाके अपनी बुक या अपने नोट्स, ठीक है, सर्च रिलेटेड जाके आप पब्लिश करके उसको वेबसाइट में अपलोड करके उसको जो सेल होगी वो आपको उससे अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी वेबसाइट हैं, पीपल पर आर है, फ्रीलांसर है, एनी टास्क एनी वेबसाइट है, ठीक है, दे आर मैनी मोर। नंबर थ्री, रिसर्च पेपर पब्लिशिंग। एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि काफ़ी रिसर्च स्टूडेंट्स को पेपर पब्लिश करने नहीं आता, सो आप रिसर्च पेपर पब्लिशिंग सर्विसेज दे के भी अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। याद रखें, काफ़ी रिसर्चर्स रिसर्च पेपर लिखते हैं और उनको पब्लिश करने के लिए डिफरेंट जर्नल्स वगैरह ढूंढते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता, उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उनके ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, ठीक है, इसके रिलेटेड उनको सोल्यूशन दे के सर्विस दे के अर्न कर सकते हैं आप। नंबर फोर, सुपरविजन। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने रिसर्च की हुई है या, ठीक है, या कोई भी स्टूडेंट देख लें, मोस्टली होता है या सुपरवाइज़र के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, स्टूडेंट जाते हैं उनके पास रिपोर्ट लेके, उनके पास टाइम नहीं होता चेकिंग के लिए, ठीक है, तो आप ऑनलाइन सुपरविजन या सुपरवाइज़र की सर्विसेज भी देख के अर्न कर सकते हैं एक अच्छी सी अमाउंट। नंबर फाइव, प्रूफ रीडिंग। यस, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थीसिस राइटिंग, क्या आप प्रूफ रीडिंग की सर्विस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि याद रखें स्टूडेंट्स को अपनी प्रूफ रीडिंग करने नहीं आता, वो अपनी रिपोर्ट से अपनी मिस्टेक्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि अपनी रिपोर्ट टाइप करने के बाद दोबारा नहीं पढ़ते, क्योंकि नहीं पढ़ी जाती, ये गलती काफ़ी होती है। सो आप उनको, इन जैसे स्टूडेंट्स के लिए, आप प्रूफ रीडिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसके अलावा नंबर सिक्स में हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेजरिज्म रिमूविंग एंड प्लेजरिज्म चेकिंग सर्विस, ठीक है। प्लेजरिज्म रिमूविंग और चेकिंग के लिए आपके पास 10 क्लास आईडी होनी चाहिए, आप किसी भी ऑथराइज पर्सन से ले सकते हैं, किसी टीचर से या किसी भी ऑथराइज सेलर से ले सकते हैं। उसके बाद आप प्लेजरिज्म का चेक कर सकते हैं और साथ साथ प्लेजरिज्म रिमूव करने की भी सर्विस दे सकते हैं, दोनों सर्विस से आप काफ़ी अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेवन में राइटिंग। राइटिंग में आप रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं, थीसिस राइटिंग की दे सकते हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग दे सकते हैं, ठीक है, तीनों सर्विस दे के आप एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज कॉन्टेंट राइटर। आप एज अ कॉन्टेंट राइटर भी काम कर सकते हैं और रिसर्च से अर्न कर सकते हैं। नंबर एट, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग सर्विस दे सकते हैं आप थीसिस की, ठीक है। याद रखें कि काफ़ी स्टूडेंट्स को रिपोर्ट फॉर्मेटिंग करनी नहीं आती, कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जस्टिफाई किस तरह करना है, नंबरिंग किस तरह करनी है पेजेस की, ठीक है, हेडिंग्स की उन्होंने किस तरह फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, हेडर हेडिंग वन है या हेडिंग टू किस तरह करनी है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट किस तरह करना है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर किस तरह यूज़ करना है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आता। सो आप रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की सर्विसेज दे के भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें आप थीसिस की सर्विस दे सकते हैं, प्रपोजल राइटिंग दे सकते हैं एंड एक्सेट्रा। नंबर नाइन,
तो मैंने हमारे पास है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हमारे पास दो वेज आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। याद रखें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आता प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने, या उनके पास कोई सोर्सेज या लिंक्स नहीं होते कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जाकर डेटा कलेक्ट कर सकें। अगर आपके पास लिंक्स हैं, ठीक है, सोर्सेज में आपके जो जानने वाले हैं फॉर्म में, तो आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन सर्विसेस देख के काफ़ी अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं उन सर्चर से जिनके पास जो प्राइमरी डेटा अपना कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट इसका सेकेंडरी डेटा, काफ़ी स्टूडेंट्स को सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से मिलता है। सो अभी सर्विस देख के अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं रिसर्च से। लास्ट बट नॉट लीस्ट डेटा एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एनालिसिस में काफ़ी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल, ऐसे कि SPSS, सैड, ई व्यूज, अमोस एक्सेट्रा। देखिए आप जहन में देखती हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को SPSS, अमोस, सैड, ई व्यू यूज़ करने नहीं आता, इसकी इंटरप्रिटेशन करने नहीं आती, काफ़ी जो बात सॉफ्टवेयर भी नहीं होता अवेलेबल। सो आप ये डेटा एनालिसिस सबसे देख सकते हैं कि आपको अगर आपको SPSS आता है, अमोस आता है, ठीक है, नहीं भी आता तो आप सीख सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी आपको, या मुझे मेरे फेसबुक पेज में इनबॉक्स पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो अगर आपको इस आता है, अगर आपने सीख लिया, तो आप सर्विस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि हम आपको SPSS रन करके देंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करके देंगे, ठीक है, अमोस नहीं आता उसकी देंगे, रिव्यूज़ नहीं आता उसकी देंगे, सैट नहीं आता तो उसकी सर्विस देंगे। याद रखें एक चीज़ कि काफ़ी लोग इससे अर्न कर रहे हैं, इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज से मार्केट में। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गिव योर ऑनलाइन रिसर्च सर्विसेज। पहले मैंने आपको 10 वेज बता दी, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, किस तरह आपने स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं आपने अपने कस्टमर्स। नंबर 1, मेक योर फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज में अपनी सर्विसेज लिखेंगे, अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव सी पिक्चर लगा के अपनी पोस्ट लिखें, वहाँ पर कौन सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे जो मैंने आपको नेक्स्ट इज मेक अ फेसबुक ग्रुप ऑफ योर सर्विसेज। नेक्स्ट ज्वाइन रिसर्च ग्रुप्स, फेसबुक में आपको काफ़ी रिसर्च ग्रुप्स मिलेंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन करें, उधर अपने पेज और ग्रुप्स के बारे में शेयर करेंगे, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा ज्वाइन रिसर्च व्हाट्सएप ग्रुप्स, काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलेंगे आपको रिसर्च से रिलेटेड, डेटा कलेक्शन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो आप ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे अपनी आप सर्विसेज जो आपका ऐड होगा, पोस्ट होगी, वो पोस्ट करें आप। इसके अलावा आप ट्विटर में अकाउंट बनाएं अपनी, ठीक है, एक ब्रांड नेम बना लें आप, ठीक है, फेसबुक में अकाउंट बना लिया आपने, वो व्हाट्सएप पे बना लिया, ट्विटर में बना लें, ताकि एक ब्रांड नेम बन जाए कि आप ऑनलाइन किसी सर्विसेज देते हैं, ऑनलाइन रिसर्च सर्विसेज देते हैं, इस तरह का एक नाम बनाएं, ठीक है, और डिफरेंट सोशल मीडिया में या ऐप्स में या वेबसाइट में जाके अपना अकाउंट बनाएं अपने नेम के साथ। नेक्स्ट है या ब्लॉग, ब्लॉग बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस स्किल शेयर करें, कुछ टेक्निक शेयर करें, जिससे आपके पास लोग अट्रैक्ट हो सके और आप ब्लॉग से भी अर्न कर सकते हैं। हाँ, वैसे ब्लॉगर में जाके अकाउंट बनाना है, जो एक गूगल का प्रोडक्ट है और आपकी अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। याद रखेंगे ब्लॉगर में आपने यूनिक रिपीट अगेन यूनिक आर्टिकल लिखने हैं, आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना। लास्ट पॉइंट इज वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट भी बनाएं, ठीक है। वेबसाइट आपको ये फ़ायदा होगा, जिसको भी आप कस्टमर से क्लाइंट से डील करेंगे, वो आपसे कोई प्रूफ मांगेगा, अपनी वेबसाइट आपका शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अपनी सर्विसेज लिख सकते हैं, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, और गूगल एक्शन के साथ अपनी वेबसाइट को भी आप लिंक करके अर्न कर सकते हैं। सो लर्नर्स, आज के लिए इतना था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो इसे डिसलाइक करें, और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस इजीली मिल सकें। वीडियो को लाइक